पंकज किशन एंड एसोसिएट्स के कामयाबी के 20 साल के सफर के इस पड़ाव पर आप सभी का स्वागत है। इस 20 साल के सुनहरे सफर पर नजर डालने से पहले हम आपको बता दें कि मिस्टर गिरीश शर्मा, जो कि सबसे पहले क्लाइंट के रूप में आज से 20 साल पहले पंकज किशन एंड एसोसिएट्स के साथ जुड़े थे, वह आज भी उनके साथ हैं। यह बात साफ करती है कि पंकज अग्रवाल रिश्तों को कितना महत्व देते हैं। पंकज किशन एंड एसोसिएट्स की मजबूती के पीछे पंकज अग्रवाल, अंशु अग्रवाल, जितेंद्र गर्ग और पंकज अग्रवाल की पूरी टीम का अतुल्य योगदान है। पंकज अग्रवाल फाइनेंशियल एंड टैक्स प्लानिंग के सेक्टर में भारत में एक जाना माना नाम है। उनका सारा फोकस अपने क्लाइंट की सभी प्रॉब्लम को हल करने में रहता है, चाहे वह व्यक्तिगत हो या आर्थिक रूप से। और उनके साथ जुड़े लोगों को भी पंकज अग्रवाल पर भरपूर भरोसा है कि वह उनकी समस्याओं का निदान कर सकते हैं। पंकज अग्रवाल एंड अंशु अग्रवाल दोनों का ही संगम कुछ ऐसा है कि हम कह सकते हैं कि हेल्थ इज वेल्थ, क्योंकि हेल्थ सेक्टर अंशु अग्रवाल पूजा स्पाइसेस के माध्यम से संभाल रही हैं और पंकज अग्रवाल फाइनेंशियल एंड टैक्स एक्सपर्ट होने के नाते वेल्थ के रखवाले हैं। और कामयाबी के इस सफर में हम आपको कुछ महत्वपूर्ण पड़ावों से रूबरू करवाते हैं। LIC के साथ अंशु अग्रवाल ने इतना शानदार काम किया कि LIC के अनुरोध पर भारतीय डाक तार विभाग ने अंशु अग्रवाल के चित्र के साथ एक डाक टिकट जारी किया। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा सम्मान है और अंशु अग्रवाल को लक्ष्मी सम्मान से भी नवाजा जा चुका है। नेट इक्विटी सेल्स नॉर्थ इंडिया में पंकज अग्रवाल पहले स्थान पर रह चुके हैं। SIP नेट सेल्स नॉर्थ में वह तीसरे स्थान पर रहे। वास्तु एस्ट्रो न्यूमेरोलॉजी में एक्सपर्ट पंकज अग्रवाल की राय लोगों के लिए बहुत मायने रखती है। पंकज अग्रवाल एंड अंशु अग्रवाल के शानदार योगदान को पहचानते हुए वर्ल्ड फेमस हस्तियों ने उन्हें समय समय पर सम्मानित किया है। मास्टर ब्लास्टर रहे सचिन तेंदुलकर और फेमस बॉक्सर मैरी कॉम के साथ भी वह अपने अनुभव साझा कर चुके हैं। चाइना, टर्की, साउथ अफ्रीका, हांगकांग, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान जैसे देशों के दौरे कर वहां के अनुभवों से दिन प्रतिदिन उन्होंने अपनी सेवाओं को और भी बेहतर किया है। अनेक 5 सितारा होटलों के मास्टर शेफ ने पूजा स्पाइसेस के एग्जीबिशन में आकर अंशु अग्रवाल के प्रति अपना सम्मान प्रकट किया। राष्ट्रीय स्तर पर हुए कार्यक्रम आई लव माई इंडिया में देश भर से एक्सपर्ट जमा हुए और अकेले दिल्ली से अंशु अग्रवाल एंड पंकज अग्रवाल ने दिल्ली को रिप्रेजेंट किया। 2009 में पंकज किशन एंड एसोसिएट्स के कार्यक्रम में शामिल हुए इन बच्चों में से जो आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, इनमें से 2 बच्चे आज CA बनने की कगार पर हैं और पंकज अग्रवाल की टीम का हिस्सा हैं। टीम वर्क में विश्वास रखने वाले पंकज अग्रवाल अपनी टीम के साथ समय समय पर क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। बिजनेस के साथ साथ व्यक्तिगत जीवन में भी पंकज अग्रवाल एंड अंशु अग्रवाल दोनों ही एक कामयाब इंसान हैं। अपने माता पिता की ब्लेसिंग से उन्होंने अपनी दोनों ही बेटियां रितिका और कीर्ति के सपनों को उड़ान दी है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा यानी NSD से रितिका जुड़ी रही और फेमस एक्ट्रेस नंदिता दास के साथ भी वह एक्टिंग वर्कशॉप कर चुकी हैं। कीर्ति की हॉबीज में शुमार है गिटार बजाना और अध्यात्म दर्शन। रितिका की हॉबीज में शुमार है डांसिंग एंड सिंगिंग। मिलेनियम ऑथर अमित त्रिपाठी जैसे सक्सेस लोगों से वह अक्सर प्रेरणा के लिए अपने बच्चों की मुलाकात करवाते हैं। पंकज अग्रवाल की यही इच्छा है कि जीवन भर लोगों के बीच प्यार और अपनेपन से सबको अपनी सेवाएं देकर दूसरों के जीवन में आई मुश्किलों को दूर करते रहें। दोनों ही अपनी कामयाबी का श्रेय अपने गुरुजी, माता पिता एवं बुजुर्गों को देते हैं और पूजा स्पाइसेस एंड पंकज किशन एंड एसोसिएट्स की ओर से दोनों ही उपस्थित जन समूह का अभिनंदन करते हैं। Congratulations.
to Pankaj and to Pooja for this wonderful milestone in each of their individual companies. I have had the pleasure of knowing and working with Pankaj for the last 10 years, and I can only say that both of them have worked very hard and built a foundation for their businesses based on trust, on faith, integrity, diligence, hard work, and sincerity every single day. These are very strong foundations, and they form the basis of sustaining long-term relationships. And I know and I do pray that they continue to achieve many more milestones and much more success as they continue to help all their customers and give them my blessings for a great, bright future. पुनः एक बार फिर आप सभी का धन्यवाद करते हैं।